आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, व्रत की थाली बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। इसमें मैंने साबूदाने के बड़े रखे हुए हैं, दही के खट्टे आलू हैं, आलू के और साथ में ये रायता है और मूँगफली नारियल की चटनी है और साथ में ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं। और ये स्वीट डिश के बिना तो थाली इनकम्प्लीट रहती है, तो इसके लिए मैं रखूँगी मूँगफली वाली बर्फी, गर्मा गर्म सर्व करूँगी। आज हम बनाएंगे व्रत की थाली। व्रत में उपयोग होने वाले स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे जिसको एक ही थाली में परोसेंगे और सब स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। उसमें नमकीन, मीठे, खट्टे सब तरह के व्यंजन शामिल रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी दही के आलू। दही के आलू बनाने के लिए देखिए मैंने पैन गरम किया है, उसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच तेल। ये मूँगफली का तेल मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी मनचाहा कुकिंग रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पैन गरम हो गया, इसमें मैं डालूंगी ज़ीरा। देखिए ज़ीरा हमारे चटकने लगे हैं, इसमें मैं डाल दूंगी 1 हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हुई है। गैस की फ्लेम को लो कर दूंगी। थोड़ी सी अदरक एकदम थोड़ी सी किसी हुई है, साथ में मैं डालूंगी देखिए थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैं से कम मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। हरी मिर्च मैंने एक पहले ही से डाली हुई है, इसलिए मैं लाल मिर्च का प्रयोग 1/2 चम्मच करूंगी। मिर्च आप स्वादानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। साथ में प्रयोग करूंगी मैं सेंधा नमक, ये भी मैंने 1/2 चम्मच डाला हुआ है। और ये 1.5 आलू लिए हुए हैं जिनको बॉइल्ड करके हमने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आलूओं को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि हमारे आलू बिल्कुल धीमी धीमी आंच में भूनते रहेंगे। देखिए आलू भून करके रेडी हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच खट्टा दही है, ये मैंने इसको फेंट के रखा है, इसको और अभी पतला भी कर लूंगी। अभी गाढ़ा गाढ़ा मैंने इसको दही डाला। व्रत में मीठी चीज़ बहुत नहीं खाई जाती है, उसमें ये खट्टी मीठे खट्टे आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा भूनेंगे, दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। एक मिनट धीमी आंच में ही मैं इसको भूनती रहूंगी। आलू हमने 2 मिनट तक धीमी धीमी आंच में भून लिए हैं, आलू अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसमें जो पानी था दही वाला ही बाउल में दही का पानी इसमें डाल दूंगी और गैस का फ्लेम एकदम लो कर दूंगी और 5 मिनट तक मैं धीमी आंच में इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और टेस्टी बन जाएगा। देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है, दही के आलू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी धनिया की पत्ती और ढक करके इसी तरह से रख दूंगी ताकि मेरी सब्जी बिल्कुल गर्म रहेगी, आगे और भी चीज़ें तैयार करते हैं। अब हम बनाएंगे थाली के लिए रायता। रायते के लिए मैंने 60 ग्राम दही लिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से मैं फेंट लेंगे और इसमें डालेंगे ये उबले हुए 1 आलू है, बहुत ही पतले पतले मैंने इसके स्लाइसेस काटे हुए हैं। एक छोटी सी हरी मिर्च भी इसमें डालेंगे और धनिया की पत्ती थोड़ी सी डालेंगे और थोड़ी अभी ऊपर से डालने के लिए रख देंगे। भुना ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और दही में भुना ज़ीरा पाउडर बहुत ही यम्मी भी बनाता है। हल्की सी
पिसी लाल मिर्च डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। और बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम, ये सेंधा नमक इसमें प्रयोग करेंगे। इन सबको डाल करके हल्का सा मैं पानी का भी प्रयोग करूँगी ताकि थोड़ा सा मिक्स हो जाए। देखिए कितनी फटाफट रायता भी रेडी हो गया है। जरा सा पानी, एक चम्मच चाय का और डाल के देखिए। अब ऊपर से मैं डाल दूंगी ये धनिया की कटे हुए थोड़े से जो पत्तियां बची थी, ऊपर से इसमें डाल दूँ। देखिए हमारा रायता भी तैयार हो गया है। अब हम आगे और भी व्यंजन बनाएंगे। अब बनाएंगे नारियल और मूंगफली की चटनी। इसके लिए मैंने 35-40 ये दाने मूंगफली के लिए हुए हैं, जिसको रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लिया है। इसको मैं मिक्सर में डालूंगी। एक बड़े चम्मच नारियल का बुरादा लिया हुआ है, एक हरी मिर्च ली हुई है। चाहे तो इसको आप छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, जैसे तीखा खाना हुआ। बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा लिया हुआ है। साथ में जो फ्लेवर आता है वो है ये मीठी नीम। मीठी नीम की पत्तियाँ मूंगफली की चटनी में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और थोड़ा सा मैंने देखिए इसमें नमक डाला है। नमक आप थोड़ा ज़्यादा या कम अपने स्वादानुसार कर सकती हैं। बहुत ही जल्दी बनती है। इसमें थोड़ा सा मैं एक बड़े चम्मच पानी डाल करके मिक्सर में चला करके मैं चटनी बिल्कुल रेडी कर लूँगी। कि मैंने सिंघाड़े का आटा पूड़ी बनाने के लिए लिया हुआ है। इसको मैंने 200 ग्राम के लगभग सिंघाड़े का आटा लिया हुआ है। इसको मैं बॉल में डाल दूंगी। और एक ये उबला हुआ मैंने आलू लिया हुआ है, इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। आलू डालने से हमारी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। आलू और सिंघाड़े के आटे को मैं हाथ से अच्छी तरह से मैश करूँगी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा सेंधा नमक भी डाल सकती हैं, किंतु मैं सब्जी और रायते वगैरह के साथ मैं परोसूंगी, इसलिए मैंने इसको नमक को अवॉइड किया है। इसको अच्छी तरह से देखिए जितना एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अभी मैंने पानी का प्रयोग नहीं किया। हार्ड डो ही मैं एक रेडी करूंगी। अब देखिए पानी बहुत संभाल के बिल्कुल हल्का सा मैं ऐसे छींटे डाल करके इसको यूज़ करेंगे, ताकि हमारा डो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। पहले हार्ड करेंगे, फिर उसको हल्का हल्का समझते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, गूंथते जाएंगे। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है, हार्ड डो है। ये देखिए इस तरह से कितना सॉफ्ट है। ये देखिए मैंने उसको हार्ड पहले किया था और फिर उसको पानी हल्का छींटा डाल करके बिल्कुल सॉफ्ट बना लिया है। हाथ में बहुत ज़्यादा देखिए चिपक भी नहीं रहा है। इसके मारने के लिए मैंने गूंथने में केवल 2 चाय के चम्मच बराबर पानी इसका प्रयोग किया था, और बाकी मैंने आलू से ही ये एकदम तैयार हो गया था। इसको अब मैं ढक करके 10 मिनट सेट करने के लिए रख देते हैं। देखिए ये हमारा डो की, इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते। इसको हाथ से भी इस तरह से किया जा सकता, और नहीं तो थोड़ा सा सूखा आटा इसमें एक बार हम इसमें डिप कर लेंगे। इससे बहुत आसानी से बेल सकते हैं। मैंने देखिए कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें तेल भी डाल दिया। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। व्रत में भी आप बनाते ही हैं, उसके अलावा भी आप कभी भी इस तरह का बना सकते हैं। एक साइड से थोड़ा सा हो जाए तब फिर मैं दूसरी ओर भी पलट दूंगी।
देखिए किस तरह से गोल्डन गोल्डन एक ओर हो गई है। मैंने इसको दूसरी ओर से इसको पलट दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम से लो की ओर ही रखा है। एक बार मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, अब फिर मैं मीडियम से लो में ही गैस को रखे हूँ। देखिए इसको हम निकाल लेंगे, दोनों ओर पक गई है और इसको मैं देख रही हूँ कि आप कितनी क्रिस्पी भी लग रही है। इसको इसमें निकाल देंगे और साथ में मैं इसमें भी प्लेट में टिश्यू पेपर में इसको निकालूंगी ताकि इसका बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल से सूख जाएगा। इसी प्रकार मैं ये दूसरी वाली भी डालूंगी। देखिए और भी मैं बेलती जाऊंगी और फटाफट सेकती जाऊंगी। इस आटे में खास बात ये रहती कि बहुत ज़्यादा एक साथ मैं नहीं गूंथती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही, आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने गूंथा हुआ है। तब भी इस आटे से हमारी 10 पूड़ियाँ आराम से बन जाती हैं। देखिए ये एक और हो गया गोल्डन गोल्डन। इसी प्रकार से दूसरी ओर जब सीख जाएगी तो मैं जैसे पहली वाली मैंने निकाली थी उसी तरह से मैं निकाल लूँगी और भी जल्दी जल्दी मैं तलती जाऊँगी। रेसिपी बनाने की आवश्यक सामग्री और बनाने की विधि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साबुदाने बड़े की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक की हुई है, यदि आप वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं।